な。このトン。ये लाइट कैसे ऑन हो गई? मैंने तो पूरा पावर ऑफ किया था। मुझे पता है मुझे क्या करना है और तुम खामखा परेशान हो रही हो। हाँ माँ, हाँ हाँ, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम क्यों खामखा टेंशन ले रही हो? हाँ, और हाँ, मैंने दवाई भी ले ली है। ओहो माँ, कितना टेंशन लेती हो आप। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, मैं आराम से फोन करती हूँ आपको, ठीक है? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है कोई? ओहो, मैं तो भूल ही गई कि सारे नौकर जाकर गाँव गए हैं। पर विशेष तो घर पर है, वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? विशेष, 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 पता नहीं कहां चले गए। विशेष, विशेष कहां चले गए तुम? विशेष, 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 मारी गई है सर। लगता है काफी नजदीक से गोली मारी है। ये देखो, किसी बच्चे के जूते के निशान। देखते हैं किस तरफ जाता है ये। सर, हो सकता है उस बच्चे ने कुछ देखा। देखते हैं। विशेष मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। संभाल अपने आप को स्नेहा बेटा, ये तो एक होनी है, होरी को कोई नहीं टाल सकता। अगर मैं घर पर होती ना तो ये सब नहीं होता। मैं क्यों गई डॉक्टर के पास? क्यों गई मैं डॉक्टर के पास? भैया, भैया, भैया विशेष चाहिए ना, उनको लेके आइए। स्नेहा संभालो अपने आप को, जाने वाले को कोई नहीं ला सकता। स्नेहा, अब हमें विशेष जी के पीना चीने की आदत डालनी पड़ेगी। स्नेहा संभालो अपने आप को। देखिए ना भाभी, लगता है मेरे परिवार को नजर लग गई। नहीं बच्चे, ऐसा क्यों हुआ? निशान यहाँ पे आके खत्म हो गए। चलो इन घर वालों से पूछते हैं। बद्रक, स्नेहा जी प्लीज शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये समय ठीक नहीं है आपसे कुछ सवाल करने का, पर क्या करें। आप ये बताइए कि जब आप
घर पर आई तो आपने विशेष को यहाँ पर मरा हुआ पाया? नहीं सर, पहले मैंने उनको घर पर ढूंढा और यूं ही जब बाहर आई तो घर पे कौन कौन रहता है? दो नौकर हैं, वो छुट्टी पर है, विशेष और स्नेहा के अलावा और कोई नहीं रहता। आप लोग? जी, हम स्नेहा के भैया भाभी हैं और ये हमारी माँ है। अच्छा, ये बताइए कि विशेष की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ हो या कहा सुनी हुई हो? नहीं सर, विशेष तो बहुत ही शांत स्वभाव के थे, कोई उनके साथ दुश्मनी सोच भी नहीं सकता है। आप लोगों को किसी पे शक है? नहीं सर, नहीं। अगर घर में सिर्फ यही लोग हैं, बच्चा नहीं है, तो फिर ये चूतों के निशान किसके हैं? ठीक है, चलो पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। नमस्ते, आप सब इनके पड़ोसी हैं? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि विशेष और स्नेहा के बीच संबंध कैसे थे? सर, काफी अच्छे संबंध थे और इंसान भी बहुत अच्छे थे। हाँ हाँ, तू तो ना ऐसे कह रही है जैसे ना तू उनके घर में ही रहती हो और तुझे ना भाई दुनिया जहान की खबर हो। मोहल्ले की CID हूँ, सब पता रहता है मुझे, और तुझे भी तो सारी खबरें मैं ही देती हूँ। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए कि घर में कोई छोटा बच्चा भी है क्या? अनुष्का के सिवा और कौन बच्ची हो सकती है? ये अनुष्का कौन है? विशेष के भाई की बेटी है। अच्छा, कहाँ है अनुष्का, वो दिखी नहीं कहीं? पता नहीं। उसके माँ बाप कहाँ है? बचपन में ही गुजर गए दोनों। और आप लोगों ने किसी को घर के अंदर घुसते हुए देखा? सर, मैंने तो किसी को नहीं देखा। जी सर, मैंने देखा है, एक कुरियर वाला आया था इनके घर में। कुरियर वाला? ये कौन सी कंपनी का कुरियर वाला था, कुछ पता है आपको? वो तो मालूम नहीं। कंपनी का नाम नहीं मालूम तो फिर आपको कैसे पता चला कि वो कुरियर वाला था? अब नाम तो मुझे आपका भी नहीं पता, फिर भी अगर आपको कभी देख लूंगी तो पहचान लूंगी आप लोग CID से आए हो। अच्छा, यूनिफॉर्म कौन से पहन रखे थे, किस तरह के? लाल रंग की टी शर्ट पहनी थी और एक बैग उठाया हुआ था। ठीक है, आसपास के कुरियर कंपनी से पता करना होगा कि कौन सी कंपनी है और वो कुरियर बॉय कौन है जो यहाँ पे आया था। सर, अपना नंबर दीजिए ना, अगर फिर कभी उसे देखा तो आपको 40 पैसे खर्च करके फोन कर दूंगी। शुक्रिया। भैया, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ ऐसा हो गया? बहन, ऊपर वाला भी ना अच्छे लोगों को ही उठाता, देख उठा लिया ना हमारे विशेष को। श्रेया जी, अनुष्का कहाँ है? अनुष्का? सर, आप क्यों पूछ रहे हैं उसके बारे में, कुछ पता चला क्या? पता चला मतलब? वो 5 दिन से गायब है। क्या? पर कैसे? विशेष उसे हर संडे को थीम वाले पार्क में लेके जाते थे और पिछले संडे अचानक वो गायब हो गए। थीम पार्क में ढूंढा, पुलिस कंप्लेन की, लेकिन फिर भी कहीं नहीं मिली सर। अगर वो 5 दिन से गायब है तो फिर उसके जूतों के निशान यहाँ कैसे है? जूतों के निशान? कौन से जूतों के निशान सर? विशेष की लाश के पास से हमें खून से सने हुए किसी बच्चे के जूतों के निशान मिले। सर, वो मेरी बेटी जैसी है, उसके सिवा मेरा कोई भी नहीं है, प्लीज उसे ढूंढ लीजिए, वही अब मेरे जीने का सहारा है, प्लीज सर। मतलब? सर, स्नेहा का अपना कोई बच्चा नहीं है। अनुष्का के माँ बाप के मरने के बाद स्नेहा और विशेष ने उसे माँ बाप की तरह पाला। मगर वो गई कहाँ, गायब कैसे हो गई? पता नहीं सर, पहले मेरे जिगर का टुकड़ा अनुष्का गायब हो गई और फिर मेरी जिंदगी विशेष को मुझसे छीन लिया। सर, मैं आप सब लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा सा तरस खाइए इस बेचारी। आप लोगों को जो कुछ भी पूछना है, जो भी सवाल करना है, थोड़ी
थोड़ी देर बात कर लीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। ठीक है। पांच दिन से अनुष्का गायब है। अगर वो खून से सना हुआ जूता अनुष्का का ही है तो फिर वो यहां आकर फिर से गायब क्यों हो गई? शायद यही अनुष्का है। उस थीम पार्क में जाके पता करना होगा कि वहां पे एग्जैक्टली हुआ क्या था और ये अनुष्का वहां से गायब कहां हो गई। कहीं अनुष्का के गायब होने में और इस विशेष के खून में कोई कनेक्शन तो नहीं है? दुनिया साहब। जी सर। सारे झूले चेक कर लीजिए और देख लीजिए कि किस किस झूले की सर्विसिंग कराने की जरूरत है। सर पहले ये वाला झूला चेक कर लेता हूँ कि ये क्यों नहीं चल रहा है, फिर एक एक करके रात तक ये सारे झूले चेक कर लूँगा। ठीक है। अरे मैनेजर साहब। सर जी। हम लोग CID से। सर आप लोग यहाँ? ये फोटो देखिए, ये लड़की अनुष्का आपके पार से 5 दिन पहले गायब हुई। सर सर ये लड़की नहीं है, ये आत्मा है। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ सर, ये लड़की गायब नहीं है, ये इसी पार्क में है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर मैं सच कह रहा हूँ, ये लड़की हर रोज रात में दिखती है। सर मतलब वो आत्मा? थोड़ी देर चुप रहोगे? ये आत्मा आत्मा की बात छोड़ो, ये बताओ तुमने देखा क्या है? सर कुछ दिन पहले की बात है, जब पार्क बंद होने के बाद जैसे ही मैं पावर बंद करके घर जा रहा था तभी अचानक सारी लाइटें ऑन हो गई और जायंट व्हील अपने आप चलने लगा। जब मैं उस जायंट व्हील के पास पहुंचा तो ये लड़की मुझे बैठी खूर कर देख रही थी। मैं सर डर के मारे भाग गया। क्या अनुष्का पार्क बंद होने से पहले भी दिखी थी? नहीं मैम, ऐसा हुआ तो हमारे पार्क में लोग आना ही बंद कर देंगे, ये बात हमने बाहर वालों को नहीं बताई है। इसका मतलब अनुष्का यहीं इस पार्क में कहीं छुपी हुई है। सर समझ में नहीं आ रहा है कि अनुष्का अभी तक अपने घर क्यों नहीं गई, पार्क में ही क्यों है? कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। आज गई तो थी अपने घर में, लेकिन इसके पहले कोई उसे देखे वहां से गायब हो गई। और किसी ने भी देखा उस बच्चे को? सर रात 10 बजे पार्क बंद होते ही उसके डर से सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड भी रहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम रहेंगे आज रात यहाँ पे, देखते हैं ऐसी क्या बात है कि इतनी छोटी बच्ची घर छोड़ के यहाँ पार्क में छुपी बैठी है। सर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे सारे डिलीवरी बॉयज लाल टी शर्ट पहनते हैं, फिर भी आप लोग यहाँ? कुछ ऐसे बातें होती हैं जो फोन पे नहीं की जा सकती, उसके लिए आमने सामने आना बहुत जरूरी है। अब ये बताइए कि अंधेरी लेन नंबर 8 में कुरियर की डिलीवरी कौन पहुंचाता है? सर वो अर्जुन जाता है उधर। बुलाइए उसे। अभी? हाँ अभी। हाँ उसे ये मत कहना कि CID यहाँ पर आई है। सर वो कल से छुट्टी पर है बट मैं कोशिश करता हूँ। हेलो अर्जुन ऑफिस आ जाओ। क्या हुआ सर? अरे तुम आओ तो सही। ओके सर मैं अभी आया। सर वो आ रहा है, पास में ही रहता है। पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी उसने, खून के एक दिन पहले छुट्टी ले ली। खून? अर्जुन ने खून किया है? जी हाँ खून किया उसने। क्या हुआ सर, मुझे क्यों बुलाया आपने? हमने बुलाया तुम्हें। आप सब कौन? मैं पहचाना नहीं आप सबको। हम लोग CID से। CID? मैंने क्या किया सर? विशेष का खून किया है तुमने। खून? कौन कौन विशेष? अब इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है समझे। अंधेरी लेन नंबर 8 तुम गए थे और तुमने विशेष को गोली मारी वहां पे। क्या? मैं तो 2 दिन से छुट्टी पे हूँ सर, मैं कैसे मार सकता हूँ? जो आदमी विशेष के घर में गया था इसी कुरियर कंपनी का यूनिफॉर्म पहन के गया था, तो तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? अब बताओ क्यों मारा विशेष को? नहीं सर मैं वो कैसे हो सकता हूँ, मेरा तो यूनिफॉर्म चोरी हो गया है सर। झूठ बोलकर बचना चाहते हो? नहीं मैडम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा कैसे कैसे चोरी हुआ तुम्हारा यूनिफॉर्म? पता नहीं सर, ऑफिस से छूटने के बाद रोज की तरह मैं घर गया और यूनिफॉर्म धुलाने के लिए जब मैंने बैग खोला तो बैग में यूनिफॉर्म नहीं था सर। घर से ऑफिस आते जाते कैसे हो? सर पैदल आता जाता हूँ और रास्ते में एक केले वाला है और वहां से मैं 2 केला खरीदता हूँ, उसके पास में एक चाय वाला है, वहां जाकर मैं एक केला खा के चाय पीता हूँ सर।
चाय के साथ बिस्किट खाते हुए सुना था, लेकिन चाय के साथ केले? तुमने अपना बैग कहाँ रखा था जब तुम वो केले खा रहे थे और चाय पी रहे थे? सर वो केले वाले के पास। अच्छा चलो हमारे साथ, हमें भी दिखाओ कहाँ है वो केले वाला। आओ। सर यही रहता हूँ केले वाला, आज दिख नहीं रहे। रोज यहाँ रहता तो फिर क्यों नहीं दिख रहा आज है? पता नहीं साहब। पता नहीं, झूठ बोल रहा है क्या? साहब साहब झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। भाई साहब ये यहाँ पे बगल में कोई केले का ठेला लगाता है क्या? हाँ साहब, राकेश नाम है उसका, अभी तो गया उधर। किस तरफ? उधर गया अभी, ज्यादा दूर नहीं गया होगा अभी। यहाँ पे? जी साहब। थैंक यू। साहब वो रख केले वाला। केले ले लो, केले केले ले लो, केले। सब 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 क्या? मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया, भागा क्यों देख के? सब वो सब। चल बीरो चल। क्यों साहब? क्यों साहब? क्यों साहब? छोड़ दो। बताओ राकेश, क्यों मारा तुमने विशेष को? साहब मुझे पैसे दिए गए थे साहब। साहब केले ले लो, केले। होश में तो तुम, सीआईडी ब्यूरो में हो तुम, केले नहीं बेच रहे हो रास्ते पे। इसकी बहुत ज्यादा पिटाई हो गई है, इसीलिए इसे हर जगह पे केले नजर आ रहे हैं। सर साहब कई सालों से केले बेच रहा हूँ साहब, इसलिए आदत पड़ गई है साहब। मेरी बीवी भी बोलती है साहब कि नींद में बोलता रहता हूँ कि केले ले लो केले। सीधे सीधे बताओ, किसने दिए थे पैसे तुम्हें? वरना दो मिनट में सारी आदतें भूल जाओगे। बताओ साहब, एक औरत ने मुझे बोला था विशेष को मारना है, पैसे दिए थे साहब। कौन थी वो औरत? साहब पता नहीं साहब, फोन आया था मेरे पास साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो उस औरत का नंबर दो साहब। साहब मेरे फोन में होगा साहब। सचिन ये नंबर है साहब, सब 11-875-64-360। 360 साहब यही नंबर है साहब। साहब मुझे छोड़ दो साहब। मोबाइल तो स्विच ऑफ आ रहा है सर, फोन बंद आ रहा है। पूर्वी सर चेक करो, देखो किसका फोन है। सर एक बार और ट्राई करता हूँ। केले वाकई में मीठे थे, अगर ज्यादा होते ना तो और खरीद लेता। हेलो मीना जी, मैं मीना जी नहीं बोल रही हूँ, मैं स्नेहा बोल रही हूँ। अरे अरे सॉरी स्नेहा जी, अब रॉन्ग नंबर लग गया। ये तो स्नेहा का नंबर सर। स्नेहा मतलब ये स्नेहा ही अपने पति विशेष का दुश्मन बन गई थी। स्नेहा उठाओ इस स्नेहा को। स्नेहा बेटा नहीं, बेटा मत, थोड़ा सा जूस पी ले। नहीं माँ मुझे भूख नहीं है। बेटा तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया और ऐसे कैसे चलेगा? मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। नहीं बेटा सच्चे में। थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा खा लेना, खा ले नहीं तो बीमार। इतनी रात को कौन आया? आप लोग इतनी रात को? क्या बात है, खूनी का पता चल गया क्या?
शायद 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 मतलब मतलब हमें शक है कि विशेष के खून में स्नेहा का हाथ है। क्या सर, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, अच्छी तरह से पता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैम, हमें विशेष का खूनी मिल गया है। उस खूनी को किसी औरत ने फोन किया था। और ये जो बेल बज रही है, इसी नंबर से फोन आया था। ये आप ही का नंबर है? जी सर, पर उसने कहा और आपने मान लिया? हमने आपके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। आप ही ने फोन किया था ना उसे? नहीं सर, मैं खूनी को फोन क्यों करूंगी? विशेष को मारने की सुपारी आपने दी थी। आप हमारे साथ चलिए, अभी के अभी। नहीं, नहीं। नहीं लगता वो यहाँ पे आएगी। क्यों? सर वो आत्मा है, उसे पता है कि सीआईडी यहाँ पे आ चुकी है। तो आत्मा सीआईडी से डरती है? नहीं सर, आपसे कौन नहीं डरता है सर। आत्मा आत्मा तो छोटी मोटी चीज है। एक मिनट, उस दिन बोल रहा था एसीपी साहब से सब डरते हैं, फिर एक दिन बोले थे दया से सब डरते हैं, आज बोल रहा है कि मुझसे सब डरते हैं, चक्कर क्या है? सर नहीं सर, मैं हमेशा आप तीनों के बारे में बोलता हूँ सर, आप तीनों से बोलने वाली सब आपसे डरते हैं सर, लेकिन सर मैं थोड़ा आत्मा से मुझे डर लगता है सर। अरे आत्मा सीआईडी से डरती है ना, तो तुम सोच लो तुम सीआईडी ऑफिसर हो, हैं? दिल से डर निकाल दो, सीआईडी ऑफिसर। सर डर तो निकल जाएगा सर, लेकिन सर वो मुसीबत तो खड़ी रहेगी ना सामने। हाँ तो एक काम करो, इस पार्क के दो चक्कर लगा लो, या तो मुसीबत टल जाएगी या मुसीबत सामने आ जाएगी, अपना भी काम हो जाएगा। जाओ निकल लो। सर नहीं सर, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता सर। क्यों? सर मुझे मेरी जान की परवाह है सर, लेकिन आपकी जान की भी परवाह है सर। नहीं, मेरी जान की परवाह मत करो, तुम निकल लो। सर अरे मैं संभाल लूंगा अपने आप को, जाओ। सर नहीं सर, फ्रेडी सर कहते हैं सर। क्या कहते हैं? फ्रेडी सर कहते हैं कि अपने साथ साथ सीआईडी टीम के बारे में भी सोचा करो, और सीआईडी टीम के साथ साथ पूरे देश के बारे में सोचा करो, और सर पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया के बारे में सोचा करो, और सर पूरी दुनिया के साथ साथ किसके बारे में सोचो? क्या था वो? ब्रह्मांड। अरे सर आपको भी बताया था क्या? हाँ, मुझे भी बताया था, क्लास सिक्स में मेरे टीचर ने बताया था। ये लाइट्स कैसे ऑन हो गए? हाँ सर, मैनेजर तो चला गया, फिर लाइट किसने ऑन कर दी? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं ना। यहाँ तो कोई दिख भी नहीं है सर। यहाँ पे हो क्या रहा है? एक के बाद एक चीजें चालू होती जा रही हैं। कोई कहीं छुप के बैठा होगा, देखो जरा। सर बटन ऑफ है, तो फिर झूले चल कैसे रहे? सर हमने हर जगह देख लिया, कहीं कोई नहीं दिखा,
फिर ये सब चालू किसने किया होगा? सर, ये सब करके कोई इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकता है? सर प्लीज यहाँ से निकलते हैं। सर सर फ्रेडी सर कहते हैं कि आत्मा को ज्यादा परेशान। फ्रेडी का नाम मत लो। कौन है फ्रेडी? है आत्माओं का डॉक्टर है, एक्सपर्ट है, ये कोई और है जो कर रहा है ये सब? सर ये सब करके किसी को क्या हासिल हो सकता है? तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। पर ये पक्का है कि कोई कहीं और बैठ के इन झूलों को ऑपरेट कर रहा है, यहां से नहीं। पता लगाना पड़ेगा। स्नेहा जी, केले बेचने वाले राकेश को फोन क्यों किया था? सर, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैंने उसे फोन नहीं किया था। झूठ बोल रही हो तुम। जरूर तुम्हारे और विशेष के बीच कोई बात रही होगी। नहीं मैम, मैं सच कह रही हूँ। मेरे और विशेष के बीच में सिर्फ उसे प्यार था और कोई बात नहीं हुई थी। नहीं 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 स्नेहा जी, बात ये है कि केले बेचने वाले राकेश को तुम्हारे ही नंबर से फोन आया था और फोन करने वाली थी कोई औरत। तो फिर बताइए वो औरत तुम्हारे अलावा और कौन हो सकती है? हाँ? नहीं सर, ये सब कैसे हो गया, कब हो गया, पता ही नहीं चला। मेरे पति तो मुझे छोड़ के चले गए। और आप लोगों की उनकी मौत का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हो और मुझे पर शक कर रहे हो। बस 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 रोना धोना बंद कीजिए स्नेहा जी, और साफ साफ बताइए अगर ये फोन आपने नहीं किया था तो फिर किसने किया था आपके फोन से? सर मुझे कुछ याद आया, 3 दिन पहले मैं अपनी माँ के घर पर गई थी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वहाँ मेरे को किरण भाभी मिली। उन्होंने मुझसे मेरा फोन मांगा और कहा कि कोई जरूरी बात करनी है, उनकी शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। तो चलो कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे कि ऐसी क्या जरूरी बात थी जो आपकी किरण भाभी ने आप ही के फोन से उस कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ की। सांगे, 1 घंटे पहले मैंने इसे फोन किया था, अब तक यहाँ पहुंचा नहीं है वो। सर डॉक्टर तारिका लेने गई है उनको। समझ में नहीं आता क्या करूं मैं इस आदमी का। यही मैं भी सोच रहा हूँ, क्या करोगे मेरा? रात को 1:30 बजे घर सुला दिया, क्या करोगे क्या मेरा? सांगे, रात के 1:30 बजे हो या दिन में कभी भी हो, CID की ड्यूटी 24 घंटों की होती है, समझे? और ये फिर ऐसे नहीं। क्यों? अरे कपड़ों से ड्यूटी का क्या लेना देना यार, है? तुम ये बताओ क्या हुआ, क्या कहाँ लाश वाश तो कहीं है नहीं, कहाँ है लाश, कहाँ है? इस आदमी को तो लाश के सिवा कुछ सोचता ही नहीं है। अरे यार यही मेरी ड्यूटी है ना भाई। एनीवे तुम बताओ प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर एक थीम पार्क में सारे स्विचेस ऑफ हो जाने के बाद भी अपने आप झूला चल पड़ता है, मतलब कोई होशियारी कर रहा है ना? ओह डोंट वरी, हम कुछ ऐसी मैकेनिज्म बनाएंगे कि झूले तुम्हारे हिसाब से चलने लगेंगे और उसकी होशियारी उड़ जाएगी। सर हम एक ऐसा डिवाइस बनाएंगे जिसे 1 झूला 2 झूला जितने भी झूले हैं सब आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। और ये सब करने के लिए समय कितना लगेगा? अरे यार तुम्हें कल रात से पहले चाहिए ना, उससे पहले हो जाएगा, डोंट वरी। वेरी गुड, सो जा। बेटा रात से सुबह हो गई है और स्नेहा अभी तक नहीं आई। माँ तुम फिक्र मत करो, स्नेहा ने कुछ गलत नहीं किया है, उसके साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। क्या गलत नहीं होगा, मैं जिंदा हूँ और मेरा दामाद इस दुनिया से चला गया और मेरे बेटे को CID वाले उठा के ले गए, अब और क्या होना बाकी है? माँ तुम चिंता मत करो, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है, और फिर अगर बुरे दिन आए तो अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। क्या करना उस अच्छे दिनों का जब अपने ही अपने साथ नहीं रहेंगे। माँ तुम अपने कमरे में चलो, आराम करो, चलो। लगता है मेरी बेटी आ गई। स्नेहा स्नेहा Oh, my God.
सर, मैं जानती थी मेरी बेटी निर्दोष है। हमारी वजह से आप लोगों को जो तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहेंगे। आपकी बहू किरण वो कहाँ है, जरा बुलाइए। क्या हुआ सर, किरण से क्या काम था? शायद विशेष के खून में उसका हाथ है। सर, पहले मेरी बहन खूनी थी और अब मेरी बीवी। प्लीज किरण को बुलाइए। अगर वो यहाँ होती तो कब की आ चुकी होती। कहाँ गई? किसी काम से बाहर गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। जरा से फोन लगाइए। जी सर, वो फोन ही उठा रही है। पर वो फोन क्यों नहीं उठा रही? पता नहीं माँ, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे कहाँ गई है, क्यों गई है, क्या करने गई है, कुछ तो बताया होगा। सर आप लोगों के सवाल भी बहुत मुश्किल होते हैं। कहाँ गई है, क्यों गई है, ये तो नहीं पता। हाँ लेकिन वो अपनी कार लेकर गई है। कार का नंबर? XYZ6675। हम पता कर लेंगे, आप जरा उनका फोन नंबर दीजिए। सर किरण की फोन की लास्ट लोकेशन यही बता रही है। यही है? हाँ सर। लेकिन गाड़ी तो आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सेल फोन भी बंद आ रहा है। वो देखो XYZ6675। वायर? किरण? सर मर चुकी है। गला घोट के मारा ऐसे। पहले इसने विशेष को मारा, अब इसे किसी ने मार दिया। लेकिन सर ये किरण घर में किसी को कुछ बताए बिना ऐसी सुनसान जगह पे क्या करने आई होगी? सर हो सकता है खूनी ने इसे यहाँ फोन करके बुलाया और फिर मार डाला। पूर्वी जरा देखो किरण का मोबाइल फोन कहाँ। अकड़ी गाड़ी के बाहर चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। यस सर। अगर खूनी ने किरण को फोन करके बुलाया है इसका मतलब किरण खूनी को जानती थी, इसलिए वो आसानी से गाड़ी में घुस गया। या फिर ये भी हो सकता है कि खूनी पहले से इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और उसने फोन करके उसे यहाँ बुलाया और फिर मौका मिलते ही गला घोट दिया इसका। सर कोई फोन नहीं। सर ये टूटा हुआ सेलफोन मिला है, शायद किरण का होगा। मतलब जब हमने किरण को इसके घर से फोन किया तभी खूनी ने इसे मार दिया और इसके बाद इस फोन को तोड़ के यहाँ फेंक दिया। सर, इस वायर पे उंगलियों के निशान। उंगलियों के निशान है? तब तो ये उंगलियों के निशानी हमें खूनी तक पहुंचाएंगे। ये सालों के सर की मशीन धोखा तो नहीं देगी ना? मैं पंकज, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। सालों के साहब का एक्सपेरिमेंट कभी फेल नहीं होता है। तैयार है ना तुम? सर कोई आ रहा है।
पंकज शुरू हो जाओ। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। अनुष्का कहाँ है? ले चलो इन्हें। किसी बहाने से अनुष्का को रवि से दूर करो। अनुष्का बेटा मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। हैं? नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं खाना। अच्छा कोई बात नहीं, बाहर ना बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वहां पे मैं तुम्हें लॉलीपॉप खिलाऊंगा। नहीं, मुझे बाहर भी नहीं जाना। रेडी रहने दो अनुष्का को यहाँ पर, लेकिन वो तुम्हारे पॉकेट में जो चॉकलेट है वो क्या खुद खाने वाले हो? अरे नहीं सर, एक मिनट। हाँ ये लो, इतनी बड़ी चॉकलेट लो। शाबाश। थैंक यू। अच्छा रवि बताओ क्यों रोक के रखा है तुमने अनुष्का को अपने पास? सर इसकी सुरक्षा के लिए, मैं इसकी मदद कर रहा हूँ सर, उन मुजरिमों से इसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुजरिम जब हमारे सामने आता है ना तो तुम्हारी तरह सफेद झूठ बोल के खुद को बचाने की कोशिश करता है। मैं सच कह रहा हूँ सर, उस दिन जब मैं पार्क बंद होने के बाद घर जा रहा था तो मैंने देखा कि अनुष्का डरी हुई छिप कर बैठी है। मैंने इससे पूछा तो इसने बताया कि इसकी जान को खतरा है। इस मासूम बच्चे की जान को खतरा है, मगर किससे? चाचा जी, वो विशेष चाचा जी, एक दिन मैंने सुन लिया था वो किसी से बातें कर रहे थे कि हमें अनुष्का को खत्म करना है। क्या विशेष तुम्हारा चाचा तुम्हें मारना चाहता है? जी हाँ, जब उस दिन मेरे चाचा जी मुझे पार्क लेकर गए थे तो मुझे लगा कि वो मुझे मार डालेंगे, इसलिए मैं उनके पास से भागकर छिप गई। लेकिन सर कोई चाचा अपनी मासूम भतीजी को क्यों मारना चाहेगा सर? लालच फ्रेडी, लालच। ये लालच इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देती है। अनुष्का की जायदाद हड़पने के लिए ये सब किया है उसने जरूर, इसकी जायदाद हड़पने के लिए। सर किरण ने पहले विशेष को मारा, उसके बाद खुद भी मारी गई, ये केस तो और बुलझता ही जा रहा है सर। हाँ, पर सबसे पहले इस रवि की गुत्थी को सुलझाते हैं। रवि क्यों, मेरा मतलब है ऐसी क्या वजह है जो तुम अनुष्का से इतना प्यार करते हो, इसके लिए ये सब कर रहे हैं? सर जब अनुष्का छोटी थी तो इसके पिताजी इसे पार्क में लेकर आते थे, इसलिए मैंने इसे देखते ही पहचान लिया। हाँ। और सर एक बार मुझे पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने मेरी मदद भी की थी। जब तुम्हें पता था कि इस बच्चे की जान को खतरा है तो तुम हमारे पास क्यों नहीं आए? सर मैं भी पहले छोटे मोटे अपराध किया करता था, लेकिन सर अब मैं वो रास्ता छोड़ चुका हूँ हमेशा के लिए। सर मुझे डर था कि अगर मैं आप लोगों के पास आया तो कहीं आप लोग मुझे पर शक ना करें कि मैंने इसे अगवा किया है। और फिर ये अनुष्का के आत्मा का नाटक क्यों? वो गुंडे रोज पार्क में अनुष्का को ढूंढने आने लगे थे, मेरे दिमाग में आया कि मैं अनुष्का की आत्मा वाला नाटक करूं ताकि उन्हें लगे कि अनुष्का मर चुकी है और वो लोग इसका पीछा छोड़ दें। अंकल अंकल अब मुझे कोई खतरा तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं, मैं कोई कुछ नहीं कर सकता, हम लोग है ना तुम्हारे साथ। रवि जब तक ये केस सुलझती नहीं ना अनुष्का हमारे साथ रहेगी, हम उसका ख्याल रखेंगे। सब कुछ ठीक होने के बाद तुम इससे मिल सकते हो, फिर हम इसे अपने घर भेज देंगे, है ना?
तुम्हारी बहुत याद आएगी बेटा। अंकल अब आप मुझे कब मिलोगे? बहुत जल्द मिलूंगा बेटा, बहुत जल्द। सर किरण को जिस वायर से मारा गया उस पर मिली उंगली निशान से मैच हो गए। मैच हो गए बिरजू? ये फिंगरप्रिंट्स बिरजू के हैं सर। पर सर ये बिरजू लोगों को मारने की सुपारी लेता था, अभी अभी जेल से छूटा है। तो चलो हम भी एक सुपारी देते हैं बिरजू को। बिरजू देखो लाखों करोड़ों अरबों खरबों का नुकसान कर दिया तुमने, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे? बिल्कुल नहीं। फ्रेडी पता चल रहा है, ओवर एक्टिंग मत करो। एक्टिंग करो, एक्टिंग। अरे चौंको मत, मैं हूं बिरजू, गला नहीं दबा रहा हूं तुम्हारा। अब बताओ टपकाना किसको है? भागता किधर? चल। हेलो, मैं जानता हूं अनुष्का कहां है। बकवास बंद करो। सोच लो, मैं फिर से फोन नहीं करने वाला। कौन बोल रहे हो तुम? आम खाने से मतलब रखो, पेड़ बचाने की कोशिश मत करो। बताओ अनुष्का तुमको चाहिए कि नहीं? कहां है अनुष्का? 25 लाख लेकर थीम पार्क में आ जाओ। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मेरा दिमाग ठीक है, तुम सोच लो अनुष्का चाहिए या सीआईडी वाले के हवाले कर दूं मैं। नहीं नहीं ठीक है, मैं आता हूं। मुझे इसको देख के डर लग रहा है। कोई बात नहीं बैठो, कुछ नहीं होगा। सीआईडी? अब क्या करेंगे हम लोग? ऊपर भी खतरा और नीचे भी खतरा, अब तो हम लोग फंस गए ना। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। Yeah.
बंद कर दो। चिड़िया अपने आप पिंजरे में आने को तैयार होगा। रुक जाओ नहीं तो गोली लग जाएगी। रुक जाओ। कहाँ जा रहे थे मामा जी? हैं? खेल खत्म। सर, अनुष्का के माँ बाप मर गए थे। उन्होंने सारी जायदाद अनुष्का के नाम कर रखी थी और फिर मैंने और विशेष ने अनुष्का को एक पार्क में छोड़कर उसे गुंडों से अगवा कराने का प्लान बनाया ताकि वो गुंडे अनुष्का को ले जाएं और मार डालें और तुम दोनों बच जाओगे और सारी जायदाद तुम्हारी हो जाए। लेकिन पता नहीं क्यों आखिरी वक्त में भतीजी के लिए विशेष के मन में प्यार उमड़ आया और इसी बीच में अनुष्का कहीं गायब हो गई। अनुष्का गायब हो गई इसीलिए तुम लोगों का प्लान फेल हो गया। लेकिन तुम्हारी बीवी किरण, उसने विशेष को क्यों मारा? अनुष्का के गायब होने के बाद सारी जायदाद उसे ही मिलती ना? मैं तो विशेष और स्नेहा की मदद कर रहा था, लेकिन मेरी बीवी किरण बेवकूफ थी। हमें बताया बगैर उसने विशेष की सुपारी दे दी। उसके मन में लालच आ गया था, वो सारी जायदाद अकेले हड़पना चाहती थी। तो तुमने बिरजू के हाथों किरण को मार डाला। भूल गए तुम कि लालच बहुत बुरी बला होती है। इस जायदाद की लालच ने तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। दोनों को फांसी ही होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.